पकड़ो उसको अंदर तेजी के साथ, लगाओ पूरी ताकत, जोर से और जोर से लाओ बाहर से जंजीरें और उसको जंजीरें डाल के मारो उसको तेजी के साथ में। इतर लगाओ नाक में, खांदों पे, पीठ पे। नहीं मत लगाओ, लगाओ जल्दी उसके नाक पे, खानों पे, पीठ पे इतर लगाओ सब। अल्लाह कपड़ा लगा बरोबर सामने मुंह पे ही बब्बू। हाँ झगड़ो उसको अंदर से तेजी के साथ में। मुझे माफ नहीं करेगा अल्लाह, मुझे माफ नहीं करेगा। तौबा तौबा तौबा। जलाओ उसको बिस्मिल्लाह, आग लगाओ उसके अंदर तेजी के साथ में। मारो उसको जल्दी रहो तेजी के साथ में, उसके आर पार सला के गर्म करके दाल के निकालो, उसके आर पार आंखों में से सब। मैं वादा करती अब कुछ भी नहीं होगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जादू चला चढ़ क्या लिख दी तूने इसका? चांद भी का क्या ली थी तूने जादू चलाते वक्त? कपड़े। हाँ कपड़े ली थी। कहाँ मिले थे उसके कपड़े? घर रमन था हमारा, साथ में रहते। हाँ बाबूजी भाई। कब चुराई थी तूने इसके कपड़े? 20 साल हो गए। कौन से कलर का ड्रेस था, क्या था वो? तो याद नहीं मुझे। तो बम्बई लेके गई। हाँ जादूगर को कितने पैसे दी जादू करने के? 41,000। कब दी थी, कितना टाइम हो रहा देखे? 20 साल हो गए। क्या दुश्मनी कैसी थी? बस मुझे हाँ बड़ी बनने का था। हाँ बस मुझे मकान मिल जाता मैं बना लेती। और चांद भी को कहीं में मिला के खिलाई तूने? पूरे में खिलाई। कहीं के पूरे चने की दाल की पूरी पुरान बोली के अंदर। हाँ कितने बार खिलाई? 7 मरतबा। उसकी मरद को भी खिलाई? सब खाते थे। बच्चों को भी खिलाई उसके? हाँ सबने खाए। और क्या क्या तकलीफ दे रही थी तो उसके घर में? पूरा घर बर्बाद कर दिए थे। जोर से। सब लाखों रुपए बर्बाद कर। बाप का तेरा राज चल रहा था परेशान करने को लोगों को, झगड़ों के अंदर से आग लगाओ उसके। एक राज छुपाने के लिए मुझे 10 काम करना पड़ा। कह का राज? क्या राज था वो? हाँ यही यहाँ कि मैंने कर दी कभी बोलना दे, या जब 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 तो इनको कुछ नहीं हुआ। इनको तकलीफ उठाते बर्बाद होते बस। जलाओ उसके हाथ पांव सब काट लिए। करेंगे दोबारा जादू? हाँ जोर से बोल सकते हैं। नहीं जलाओ उसको, कपड़ा मत निकाले आदमी इसलिए। जकड़ो जकड़ो उसको तेज के साथ में। चल बोल। बाप का तेरा राज चल रहा, मनमानिया करी अंदर बैठ के। जलाओ उसकी सारी शक्ति खत्म करो, उसके हाथों की भी कम करो। नहीं क्या नहीं करूंगी कभी नहीं। जोर से करेंगे दोबारा परेशान? नहीं नहीं। अल्लाह तोबा तोबा, छोड़ दो छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। नहीं करूंगी कभी नहीं, मुझे मार डालो। करेंगे उसके बच्चों को जादू? नहीं कभी नहीं। कभी घर में लड़ाई लगेंगी जादू से? नहीं आप कभी नहीं होगी। घर बरकत उड़ेंगी? बरकत उड़ा दी सब। आप बना दो आप बना दो। नहीं नहीं तोबा तोबा, अल्लाह छोड़ दो अल्लाह छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तोबा अल्लाह तोबा अल्लाह तोबा 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 अल्लाह तोबा। चल निकल उसको, छोड़ जल्दी बाहर जा, तुम्हारा दिखना नहीं मेरे को अंदर। कभी नहीं आऊंगी। मार मार के टुकड़ा कर दूंगा तेरे पूरे, तेरे बच्चों को मारने लगाऊंगा कम वक्त। मार डालो मेरे साथ, मार डालो। लोगों का घर जला रही क्या गर्म पानी से? हट निकल बाहर जा, पड़े रहे। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? जादूगर कौन था वो? हिंदू का था मुसलमान का था? काशीनाथ। बंगाली था। क्या नाम था उसका? काशीनाथ। क्या काशीनाथ? कौन था वो? बंगाली। चल निकल अब निकल जल्दी बाहर जा खड़े चल। तो बाप का राज चल रहा तेरे लोगों को परेशान करने। मारो उसको जंजीरा डाल के दोबारा। अगर दिखी में दो गिलास दो। गिलास दो। जा जा जल्दी बाहर जा, जा रास्ता खुला जा 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 जाओ जा। कौन से आए? झूलिया झूलिया माने बात सुनाई। कौन सा गाँव? धुलिया धुलिया धुलिया। 40 गाँव से 57 किलोमीटर पर है। औरंगाबाद के आगे नहीं होता, बहुत ज्यादा ऑटो में चलो दुलिया हमारे को दुलिया से मनमार जो 90 किलोमीटर है। और चांदवी, अरे चांदवी उड़ो, पानी पियो, क्या हुआ, अरे क्या होगा जी, पानी पियो, उड़ो आराम से, पानी पियो, इधर सारे कैमरा, पानी पियो पानी। ये कौन है, ये वो कौन है, वो ये ऐसे मसले और ऐसे मकसद और ऐसे जलन रख के एक दूसरे पे जादू टोने करेंगे तो ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और जादू टोना तो वो चीज है कि उसको डायरेक्ट बायकाटिज कर दिया इस्लाम के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जो जादू चलाता वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, और जो जादूगर के पास जाता वो भी हम में से नहीं है, और जादूगर भी हम में से नहीं है। तो फिर बताओ कहाँ तुम्हारी शिफात होने वाली, कौन तुम्हारी शिफात करने वाला। दुनिया 4 दिन की जिंदगानी है, बचपना खेल कूद में गंवाया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख देख के रोया, और उसके बाद तो फिर मरना है। और जब मर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, खबर में तो भरना है, सवाल जवाब तो होने वाले। हर वो तुम्हारी बात, हर वो बाल से बारीक तुम्हारे से हिसाब लिया जाएगा कि पानी भी तुमने ज्यादा खर्चे तो कहाँ खर्चे, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा तुमको। एक बूंद भी जाया हुई हुआ पानी तो कैसा हुआ। तो ये है इस्लाम, को देना ही है मजा कर जवाब अल्लाह उसके रसूल का। फिर तुम ये सब बातों का जवाब कैसा देंगे, फिर तो तुम हम में से नहीं है बोल जाता। फिर बाद में तुम लोग ऐसे हरकत एक दूसरे में जादू टोने चला के करेंगे। तो ये सब बातों से परेज आओ, बाज आओ। अगर तुम बाज नहीं होंगे तो तुम आजाब में घिर जाएंगे। और आजाब अल्लाह तुम्हारे को आजाब नहीं डालता, अल्लाह सब 70 माँ की मोहब्बत सबसे करता। तुम्हारे बच्चों को तुम कैसी मोहब्बत करते, एक माँ की मोहब्बत कर रहे, तुम एक माँ है तो जो 70 माँ की मोहब्बत करता रब्बुल आलमीन। तो उन्हें तुम पर कैसा वो डालेगा आजाब, उन्हें आजाब नहीं डालता अल्लाह। तुम्हारे आमाल तुम्हारे आजाब नहीं कर लेते, तुम्हारे आमाल रहते। बाद में बोलते ना, अरे अल्लाह ने हमारे को ऐसा कर दिया, तकलीफ दे दिया, बीमारी दे दिया, वो फला फला मौत दे रहा, सड़ा सड़ा के मार रहा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह किसी को नहीं मारता। अल्लाह सबसे उतनी मोहब्बत करता, 70 माँ की मोहब्बत करता, एक नहीं 70 माँ की बेनतिया हर बंदे से, चाहे वो बंदा काफिर हो चाहे बंदा मुसलमान हो, सारे बंदों से। अब काफिर और मुसलमान वो मरने के बाद होगा सवाल, मगर अभी तो दुनिया में सबसे 70 माँ की मोहब्बत करता अल्लाह। और 70 माँ की मोहब्बत का एक माँ पे से तुम अंदाजा लगा लो, एक माँ इतनी मोहब्बत करती तो 70 माँ का आलम क्या होगा। फिर अल्लाह तुमको थोड़ी आजाब में डालता, अल्लाह थोड़ी तुमको तकलीफ में घेरता। तकलीफ में घेरने वाले तुमको तुम्हारे आमाल, तकलीफ में तुम्हारे घेरने वाले तुम्हारे करतूत, जो दुनिया में आके तुम जो हरकत कर रहे ना वो तुम्हारे घेरते हैं। हदीस में पहले ही बता दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि दुनिया एक आईना है, दुनिया के अंदर तुम जैसा सलूक करोगे वैसा तुम्हारे साथ सलूक होगा। आईने के सामने खड़े रहकर चिढ़ाओ, उन्हें तुम्हारे अंदर से चिढ़ाता, उसको तुम्हारे सामने रह के एटीट्यूड बताओ, उन्हें अंदर से तुमको एटीट्यूड था। तुम उसको झुक के सलाम करो, आईने के अंदर का अक्ष तुम्हारे झुक के सलाम करता। दुनिया आईना है, समझ लेना। ये सब बातें जहन नशीन कर लेना। अगर माएँ और बहने जो है ना, माँ जो होती तो माँ वो चीज होती, बच्चे का स्कूल जो पहला स्कूल है माँ की गोद है। और रूहानियत के मामले में बच्चे का पहला स्कूल माँ की कोख है। माँ के पेट में बच्चा और माँ अगर नेक रहेंगी, रोजे रहेंगी, इबादत करेंगी, इबादत के रस्सी को मजबूती से थामेंगी, जिक्र अस्कार करेंगी, कुरान पढ़ेंगी, तो बच्चा फिर इतना नेक वक्त पैदा अल्लाह करेगा, इतनी नेक रूह डालने लगेगा अंदर, उसके पेट से इतनी नेक रूह निकालेगा कि बयान नहीं कर सकते। तुम्हारा मैं नेक माँ पे से वाकयात बताता हूँ। जब माँ इतनी नेक रहेंगी तो फिर बच्चे कैसे नेक नहीं रहेंगे। एक माँ अपने बच्चे को लेकर मौलवी साहब के पास जाते हैं, उस्ताद जी के पास जाते हैं, हाफिज साहब का जाकर बोलते हैं कि आलिम साहब आप जो है फिर मेरे बच्चे को भी मुफ्ती व खारी बनाओ, मेरे बच्चे को भी कुरान का हाफिज बनाओ, मैं चाहती कि मेरा ये बच्चा भी हाफिज बनना, मैं इसके सहारे, इन्हें मेरे सहारे, दोनों हम एक दूसरे के सहारे। इसके वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया, दुनिया से कूच कर गए अपने रब की तरफ उन्होंने। अब ये मेरा बच्चा एक, और बच्चे की उम्र लगभग 5 से 6 साल पढ़ो, 6 साल उम्र पढ़ो, वाकया तुमको पता चलता। किसका वाकया बता रहा हूँ मैं, तो ये माँ की गोद है। ये माँ की गोद अगर ऐसी रहेगी तो फिर बच्चा भी तो ऐसा रहेगा ना, फिर बड़ा होकर ऐसा बनेगा ना। तो जब लेकर गए हफीज साहब के पास में, तो हफीज जी ने ऐसा देखे, उस्ताद जी बैठे आले और पूरा मकतब भरे आला। तो उस्ताद ने कहा कि ठीक है आप छोड़ दो, बच्चे को मैं पढ़ा दूंगा, मेरा तो कोई नहीं है। बोले गुजर बसर अब हम माँ बच्चे एक दूसरे के उस पे करते, बोले जीते एक दूसरे के सहारे। और शोहर का तो इंतकाल होगा, और ये एक ही बच्चा है मेरा कि नेक पर्दादार खातून थे, वो आए पर्दे के अंदर और बयान करके हफीज साहब को चले गए बच्चा उनके हवाले करके। तो बच्चे को जब उन्होंने ऐसा देखे हफीज साहब ने और कहे कि बेटे चलो जरा कायदा सुनाओ पढ़ के, कायदा। हफीज साहब क्या बोल रहे बच्चे को, कायदा सुनाओ। बच्चा 6 साल का, 6.5 या 5.5 साल का बच्चा तो कायदा सुनना चाह रहे हफीज साहब बैठ के। अब अली बे ते से पढ़ने आता कि नहीं बच्चे को देख रहे हो। तो बच्चे ने जब पढ़ना चालू करा तो बच्चे ने डायरेक्ट हफीज साहब देख रहे तो बच्चे ने अलिफ लाम मीम से शुरू करा उन्होंने पढ़ना। तो पूरी सूरह बकरा पढ़ा उन्होंने 2.5 पारी की बच्चे ने। तो हफीज साहब को लर्जा तारी होगा, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने बोले ऐसा कैसा, पहली बार मेरे लाइफ में देख रहा हूं मैं 5.5 से 6 साल का बच्चा पूरी कुरान पढ़ दिया। कौन है भाई, अपने ऊपर मैं कैसे सिखा सकता है बच्चे को आगे। पहली बार मेरे लाइफ में देखा मैंने 5.5 से 6 साल का बच्चा पूरी कुरान सुना दिया सामने, 2.5 पारे सुना दिया, 2.5 पारे। तो ऐसे लर्जा तारी को बच्चे का हाथ पकड़े और सीधा लेके गए घर को बच्चे के। गांव पहले तो कैसे थे, बहुत बड़े बड़े शहर आए से थोड़ी थे, गांव में सब एक दूसरे घर को जानते थे। खटका दिए और खटका देने के बाद बच्चे का हाथ पकड़ के ले जाकर उनकी अम्मी के दरवाजा को तो अम्मी के हवाले कर दिए। बोले बच्चा ले लो, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। ये तो क्यों उनकी अम्मी रोने लग गए, क्यों ऐसा क्यों। पर्दादार खातून पर्दे के अंदर रोना चालू कर दी कि मेरी तो ख्वाहिश थी मेरे बच्चे को हाफिज बनाने की, अब आप बोल रहे नहीं पड़ेगा तो कौन उसको हाफिज बनेगा, कैसा अब क्या करूं मैं, बोल के रोने लगे। तो उन्होंने बोल रहे जी माँ, बोले ये बच्चा जो है तो ये उस्तादों का उस्ताद है, बोले ये 2.5 पारे पढ़ के सुना दिया। बोले अभी मेरे को मैंने ऐसा कैसा, बोले 2.5 पारे पढ़ाई मैंने। तो मैं उसको पूछा बोले कि तूने 2.5 पारे ऐसा कैसा पढ़ लिया, और देखो तो अभी तेरे साथ तेरे जो उम्र हम ज्यादा तेरे जो उम्र के लोग हैं, तेरे उम्र के जो बच्चे हैं तो वो तो अभी अलिफ बे में भी अटके वाले हैं, उनको अलिफ बे ते से भी नहीं आ रहा, और तू 2.5 पारे कैसा पढ़ लिया बच्चे, कौन है तू, ऐसा कैसा क्या कमाल और कहाँ से सीखा। तो बच्चे ने फरमाया, मासूम अंदाज में फरमाया उन्होंने, छोटा बच्चा जैसा फरमाता उस अंदाज में लहजे में, कि मुझे तो नहीं पता, मैं मेरी अम्मी की गोद में बैठा रहता दिन भर और मेरी अम्मी दिन भर ये पढ़ते रहते तो मैं सुन सुन के याद कर लिया। सुने बच्चा उसके माँ के गोद में बैठा है तो माँ क्या कर रही है, दिन भर सूरह बकरा कुरान की तिलावत चालू है। माँ की काम करते हुए कुरान की तिलावत, बर्तन साफ करते हुए कुरान की तिलावत। आज तो तुम्हारे गाने सुनने को ना, गाने हेडफोन लगा के ब्लूटूथ लगा के गाने सुनते तुम लोग, गाने सुन के काम करते। वो माँ थी कि जो बच्चा गोद में बैठ के सूरह बकरा याद कर लिया बच्चे ने, और बच्चा बाद में बड़ा होकर कौन बना मालूम, सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो माँ थी इतनी नेक बखत, तो जब बच्चे अल्लाह इतने नेक बखत देता क़यामत तक उनके नामों को अमर कर देता। अमर जो बोले ना, अमर अमरूद का प्याला पी लिए या आब हयात के कुएं का पानी पी लिए तो अमर हो जाएंगे। वो ऐसा अमर होके क्या फायदा, ये ऐसा अमर हो जाना पड़ता, दुनिया और आखिरत दोनों में भी नाम बुलंद होगा और दोनों में भी क्या बोलते तो रुतबात बुलंद कर दिया अल्लाह ने। और ऐसे भी करा कि उनके वसीलों से कई लोगों को बख्श दिया और माफ कर दिया। इतने बड़े जलाली हस्तियां, इतने दास्तानें। फिर जब माँ इतनी नेक होंगी तो बच्चा कैसा नहीं उठता नेक होने का। तुम्हारी गोदों से तुम्हारे बच्चे, तुम ऐसे हरकतें करेंगे एक दूसरे पे जादू टोने, तो यकीनन तुम्हारे बच्चे इब्लीस की औलाद बनके दुनिया में फिरेंगे और यकीनन ऐसे एक दूसरे को परेशान करेंगे। और तुम्हारी चिरोड़नी के जैसे हरकत कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी इब्लीस के जैसे पैदा होंगे ना फिर, और इब्लीस के जैसे बन के। वो थी नूरानी माँ, नेक बखत पर्दादार खातून कि जिसके वतन से अल्लाह ने जब बच्चे को फायदा किया तो क्या रुतबात और क्या मर्तबात अता किया, वो भी तो तुम देख लो ना कि कितनी नेक थी वो माँ, बोल के अता किया ना कि बच्चा खाली गोद में बैठे बैठे उन्होंने 2.5 पारे याद कर लिया माँ का सुन सुन के। हफीज साहब मुझे तो पता नहीं उस्ताद जी, अम्मी जो पढ़ते वो मैं सुन सुन के याद कर लिया। और आज की अम्मियां क्या पढ़ रहे, गाने, और बच्चों को गाने याद दिला रहे, और बच्चा नाच रहा तो टिकटॉक पे डाल के खुश हो रहे और बोल रहे कि देखो हमारा बच्चा कैसा नाच रहा, शर्म करो शर्म करो। क्या खबर के अंदर देंगे तो आजाब 10 गुना बढ़ जाएगा, 100 गुना आजाब बढ़ जाएगा तुम्हारे बच्चे अगर जमीन पे नाचेंगे तो। क्योंकि माँ बाप जब खबर में जाते ना, ये बात मालूम है कि नहीं, ये सब मालूम करके रखो। जब माँ बाप मर गए और बच्चे अगर गुनाह करने लगे जमीन पे तो माँ बाप को भी आजाब होता, कैसी तरबियत दिए बोल के। और बच्चे अगर नेक सालहीन है और अल्लाह उसके रसूल के रस्सी को मजबूती से थाम के दीन इस्लाम की तबलीग करने लगेंगे तो वो माँ बाप को खबर के अंदर सवाब आता जाए, सवाब जारी आता किया जाएगा, आजाब हटा दिए जाएंगे उनके खबरों से। और खबर का आजाब कोई मामूली चीज नहीं है, जो खबर का आजाब हम सुन ले रहे। अरे मामूली बीमारी तुम्हारे ऊपर गिर गई तो तुम उसको झेल नहीं सकते, मामूली जख्म होगा तो फ्रैक्चर होगा तो तुम उसको राइट नहीं कर सकते, वो तकलीफ को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, पेन किलर आ दो, इंजेक्शन आ दो, इतने खाते बैठते दर्द हटाने के। खबर का आजाब तो इतना भयानक है, इतना शदीद खतरनाक है। अगर बता दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि अगर खबर का आजाब तुम पर जाहिर कर दिया जाता था तो तुम अपने डर से अपने मुर्दों को गाड़ना ही छोड़ देते थे, इतना खतरनाक आजाब होता। अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो आजाब से कि अल्लाह ये जो खबर का आजाब है इससे तेरी पनाह में रख, तेरी पनाह में रख, तेरी पनाह में रख। अल्लाह क्योंकि ये सब बात हो सकता है, ये सब बातों पे कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह तुमको अमल करने की तौफीक दे। जब बच्चे की माँ नेक बखत रहेंगी और बच्चा अमल में रहेगा और तो उसकी पहली वहाँ से रूहानियत का स्कूल स्टार्ट होगा। और गोद दुनिया का स्कूल है, माँ की जो गोद है वो दुनिया का स्कूल। तो ये सब तुम बातों पे अमला करेंगे, तुम मेरे माँ बहन बेटे, तुम नेक अगर बनेंगे तो तुम्हारे बच्चे, आने वाली नस्लें तुम्हारा नाम क़यामत तक रोशन करेंगे अल्लाह उनके ज़रिए से बच्चों के। और तुम्हारे ख़बरों के अंदर सवाब जारिया वो सब चीज़ें तुम अमल करेंगी, नहीं तो फिर आज़ाब होगा और उसका तुमको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। नमाज को कंटिन्यू पढ़ना, हर एक नमाज अदा करने की कोशिश करना, क्योंकि आज़ाब स्टार्ट खबर के अंदर वहीं से होने वाला है कि नमाज की पूछ से। सबसे पहले नमाज, या नमाज अगर कम भरेंगी तो फिर आज़ाब स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। जैसे नमाजें पूरे तुम्हारे रहेंगे तो आज़ाब नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, पूछेंगे सब नमाजें, क्योंकि तुम्हारे नमाजों ने तुम्हारे सब गुनाह करने से रोक देते। जब तुम नमाज की तलब हो जाएंगी और आदत हो जाएगी तो वो इल्लल्लाह का नशा ऐसा है कि फिर वो नशा तुम्हारे गुनाहगारी की तरफ जाने ही नहीं देता, गुनाहगारी से रोक देता तुम्हारे। और खैर चलो, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। और ये जो है तो ये पानी लेके सुबह शाम 2 टाइम के मुँह पे मारना करना, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7-7 बार चारों कुल पढ़ के पानी पे दम करना और उनके चेहरे पे मार करना। और दूसरा पानी दुआ का बढ़ाना पिलाना। अब ये मेरे को ऐसा ऊपर स्वास्थ्य बैठना आया इतना उच्चा करके कि मेरे पैर अब बैठने में जरिए बहुत होगा, कई सालों से ज़मीन पर बैठाना मैं, तो ज़मीन पर बैठने की वजह से वो ज़मीन पर अब नहीं बैठने दे रही, इसलिए ऊँचा करके ऐसा बैठना पड़ रहा मजबूरी पर, क्योंकि शौक नहीं आया ऐसा ऊँचे गद्दे लगा के बैठने के लिए। इतनी खिदमत हो गई कि खिदमत खाली क्या बैठने से भी पैर जवाब दे दे रहे, बोलते कि नहीं बैठना, बैठने नहीं दे रहे हो, इसलिए ऐसा बैठना पड़ रहा है। चलो खैर, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। और जादूगरों के पास नहीं जाना, तुम्हारी जिंदगियाँ बर्बाद कर देते, तुम्हारे घरदार बर्बाद हो जाते, भीख लग जाती, सारी चारों तरफ से जगनहू सती जकड़ लेती। तुम आप रहमत के पास जाएंगे, जहाँ रहमत की बारिश हो रही तो तुम वहाँ जगह तो कुछ छीटे तुम पर रहमत की गिरेंगे तो तुमको फायदा मिलेगा, दरिंदर जादू होंगे। और दरिंदर के पास जाके तुम अगर बैठेंगे कहीं पे भी जादू करके तो तुम्हारे पर नहुसतों में, सब में, दरिंदरी में गर्क होकर डूब के खत्म हो जाते। उस पर दरिंदरी की बारिश हो रही, उस पर क्या बोलते तो बदकारी की बारिश बरसती तो तुम्हारे पे भी छीटे गिरते नहुसती के, ये खत्म हो जाते। इसलिए ये सब बातों का अमल करो, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो।